1 2 1 2 3 4 Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel Kiran Punia. Let's start our study with smile and fresh mind. Today we will discuss about international place value system. How to write a number in international place value system and how to put a comma in the number given in international place value system. First of all, we will start with our first question, which is write the numbers for the number name, also use comma according to the international place value system. आपको क्या करना है, numbers लिखनी है, आपको number name given है and उसके बाद आपको comma use करना है किसके according, international place value system के according. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि international place value system आपका होता क्या है. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में एक डिफरेंस होता है. इंटरनेशनल में जो कॉमा लगता है वो 3-3 डिजिट्स के बाद लगता है एंड जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमा यूज होते हैं वो आपका फर्स्ट कॉमा होता है 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद. इंटरनेशनल में 3 डिजिट के बाद क्यों होता है, इंटरनेशनल में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड 10,000 के बाद इसमें लाख नहीं आता है, 100,000 आता है. क्या आएगा 10,000 के बाद, 100,000. तो अब देखिए जो वंस वाली है उसमें भी 3 डिजिट हैं और 1,000 वाले में भी कितनी है, 1, 2, 3 डिजिट आएंगी. और 100,000 के बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. तो इसमें भी कितनी होगी, 1, 2, 3 डिजिट. तो आपकी सारी जितने जो जो आपके पार्ट बन रहे हैं सब में 3-3 डिजिट्स आ रही हैं, इसलिए जो कॉमास यूज होंगे वो कितनी डिजिट्स पे होंगे, 3-3 डिजिट्स पे होंगे. ओके, और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कैसे होते थे, फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2-2 डिजिट पे. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 15,204,589. ठीक है, क्या है आपका 15,204,589. क्या आपको क्या राइट डाउन करना है, नंबर राइट डाउन करना है. तो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, तो आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के लिए जो प्लेस वैल्यू चार्ट होता है वो राइट डाउन करेंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 10,000 के बाद इंटरनेशनल में आएगा 100,000 और 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. अब आपके पास देखिए मिलियन में क्या है, 15. तो मिलियन वाले आपका वेब प्लेस वैल्यू चार्ट ये है, तो मिलियन में 15 कैसे आएगा, 15 मिलियन. उसके बाद है 204,000, थाउजेंड वाले में क्या आएगा, 204. थाउजेंड से पहले जो होगा वो आएगा थाउजेंड वाले में, 204. कैसे राइट डाउन करेंगे, 204,000. 30,589, ये किसमें आएगा आपका, वंस वाले में, 589. क्या आया आपका, 15,204,589. अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमास का भी यूज करना है. कॉमास का यूज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका 3-3 डिजिट्स पे आएगा और डिजिट आप कहाँ से काउंट करते हैं, लास्ट डिजिट से, 1, 2, 3. उसके बाद फिर 3 डिजिट, 1, 2, 3. अब आपकी 3 कंप्लीट ही नहीं हो रही है तो ये 2 कॉमास आएंगे आपके पास. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 908,436,099. तो अब देखिए मिलियन आएगा सबसे पहले, मिलियन से पहले क्या है, 908. तो मिलियन वाले में क्या आएगा, 908, ऐसे ही आएगा 908 मिलियन. मिलियन के बाद आएगा थाउजेंड, तो थाउजेंड को आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन. और थाउजेंड से पहले क्या है, 436. क्या आएगा थाउजेंड वाले में, 436, ऐसे ही राइट डाउन करते हैं. उसके बाद है 99. क्या है, 99, और 99 तो ये होता है ना, मतलब 100 वाले प्लेस पे क्या आ जाएगी, 0. 100 वाली डिजिट नहीं है और जो डिजिट नहीं होती है उसकी जगह क्या आ जाता है आपका, 0 आ जाता है. ओके, ये आपने राइट डाउन कर दिया अपने नंबर नेम को, नंबर राइट डाउन कर दिया. अब आपको कॉमास यूज करने हैं इसमें, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3 इसके आगे कोई डिजिट होती तो आप कॉमा यूज करते, अब कॉमा यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंटरनेशनल और इंडियन में क्या डिफरेंस है, इंटरनेशनल में सारे कॉमाज 3-3 डिजिट के बाद लगते हैं और इंडियन में फर्स्ट 3 के बाद और बाकी 2-2 के बाद लगते हैं, ठीक है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, आपको कुछ गिवन नंबर्स हैं इनको वर्ड्स में राइट डाउन करना है, ओके। वर्ड्स में राइट डाउन करेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, कॉमास लगा लेंगे। कॉमा से आपको क्या पता चल जाएगा कि ये आपका मिलियन में आएगा, थाउजेंड में आएगा, किस में आएगा, क्योंकि देखिए अगर आपका फर्स्ट ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका 100 में आ जाएगा, अगर ये सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, 100,000 में आ जाएगा, और अगर ये थर्ड आपके 2 कॉमास कंप्लीट हो जाएंगे तो किस में आ जाएगा, मिलियन में आ जाएगा। या फिर आप कर सकते हैं 3, 6 एंड 9, 9 डिजिट है तो 100 मिलियन, 8 डिजिट है तो 10 मिलियन, ओनली 7 डिजिट है तो मिलियन, 6 डिजिट है तो 100,000, ऐसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, कॉमा पुट करेंगे 1, 2, 3 डिजिट के बाद, फिर 1, 2, 3 डिजिट के बाद। अब ये देखिए कितनी डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 डिजिट है तो 100 मिलियन में आएगा, कितने मिलियन है ये, 710, तो क्या आ जाएगा, 710 मिलियन। फिर क्या है ये, 1000 का आता है ये आपका, तो क्या आ जाएंगे, 36,000, और ये क्या बच गया आपका, 574। तो पहले आपका मिलियन वाला, मिलियन कितने हैं, 710, थाउजेंड कितने हैं, 36, क्या लिखेंगे, 36,000 एंड 574। एक और मेथड है आपका करने का, आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो आपका चार्ट होता था उसमें आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जैसे इसी का सेकेंड पार्ट है उसको करेंगे हम, ये नंबर गिवन है तो आप क्या करेंगे, आपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का जो चार्ट था वो बना लिया, ठीक है, यही होता था आपका 100 मिलियन तक। आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट से राइट डाउन करेंगे, 2, 3, 3, 5, 8, 6, 0, 8 एंड 1, कहां तक आ गया ये आपका, 100 मिलियन तक। तो मिलियन वाले में कितना है, 180, तो क्या लिख देंगे, 180 मिलियन। थाउजेंड वाले में कितने हैं, 685, तो क्या राइट डाउन करेंगे आप, 685,000, ओके। नेक्स्ट आपका 100 वाले में है 332, तो क्या आ जाएगा, 332। तो जिस जिस बॉक्स में जो जो राइट डाउन किया है, जैसे ये मिलियन का बॉक्स होता है आपका, ये आपका 1000 का बॉक्स होता है, एंड ये आपका वंस वाला बॉक्स होता है, इसको तो आप सिंगल ही रीड करते ना, 332 है तो 332, तो क्या हो गया, 180 मिलियन, 685,000 एंड 332, ऐसे राइट डाउन करेंगे आप। अगर कोई नंबर गिवन है तो उसका नंबर नेम ऐसे राइट डाउन करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको कॉमा यूज करके डायरेक्ट करना है या फिर प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग करना है। थैंक यू क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर 54,59,391 एंड 7,13,80,159, इनको आपको क्या करना है, कंपेयर। तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को राइट डाउन कर लेंगे, फिर उनकी डिजिट कंपेयर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने डिजिट हैं इस नंबर में, 7 डिजिट्स, एंड इस नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस नंबर में 8 डिजिट। तो हमेशा जिसमें कम डिजिट होंगे वो छोटा नंबर रहेगा और जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो बड़ा नंबर रहेगा। तो उसके लिए आपको डिजिट ही देखनी है, ओनली इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो 7 डिजिट कम रहेंगी और जो छोटा नंबर होगा वो अपना मुंह क्या करेगा, बंद रखेगा, बड़े वाले की साइड आपका मुंह ओपन होएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 डिजिट इज लेस देन 8 डिजिट, तो क्या हो गया, ये नंबर छोटा हो गया इस नंबर से, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 डिजिट होती, यहाँ पे 7 होती, तो क्या करता, बड़े वाला अपना मुंह खुला रखता, उस ये वाला साइन आ जाता, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज कंपेयर, अब आपको ये टू नंबर्स गिवन है, अब इसमें क्या है, पहले तो आप चेक करेंगे डिजिट्स चेक करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दोनों में 7 डिजिट है, तो डिजिट वाले मेथड से तो हमें नहीं पता चला कि कैसे कंपेयर करें इनको। फिर हम क्या करेंगे,
हम स्टार्टिंग से एक एक डिजिट को कंपेयर करेंगे, जैसे और लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, इसमें है डिजिट 2, इसमें भी है 2, नेक्स्ट नंबर क्या है 2, इसमें भी नेक्स्ट है 2, तो सेम सेम में तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है क्योंकि दोनों इक्वल रहेंगे। अब नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इसमें क्या है 3, 5, तो अब देखिए 2 बड़ा है, 2 क्या है छोटा है 5 से, जो फर्स्ट 2 डिजिट थी वो तो दोनों इक्वल थी, तो हमने क्या किया 3rd डिजिट को कंपेयर कर लिया। 3rd डिजिट को हमने कंपेयर किया तो 2 क्या है आपका लेस देन है 5 से और छोटा है, तो क्या रहेगा अपना मुंह बंद रखेगा और बड़े वाले की साइड इसका मुंह ओपन हो जाएगा। लेकिन ये बात हम किस इस डिजिट की कर रहे थे, तो ये डिजिट क्या हो गया इससे लेस हो गया, तो हम डिजिट को कंपेयर करके करेंगे यहाँ से, ठीक है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 2 दोनों में सेम, नेक्स्ट 2 दोनों में सेम, इसमें 2 इसमें 5, तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, अब चाहे कितना भी बड़ा नंबर गिवन हो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ करेंगे हम नंबर्स को, आपने जो टेंस है 100 है वहां तक के किए थे, बट हम क्या करेंगे अब हम लार्ज नंबर पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे राउंडिंग ऑफ करेंगे लाख पे, करोड़ पे, थाउजेंड पे। ओके, जब थाउजेंड पे करना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं 10,000 वाला गिवन है तो 1,000 वाला देखेंगे, अगर हमें क्या गिवन है 1,000 गिवन है तो हम 100 वाला देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55,03,54,081, ठीक है, और इसको किस पे राउंड ऑफ करना है आपको 10,000 पे राउंड ऑफ करना है, तो 10,000 की डिजिट कौन सी होगी आपकी, ये क्या है आपका 54,000, और 10,000 पे क्या होगा देखिए 54 किस किस के बीच में है आपका 54 50 एंड 60,000 के बीच में है, क्योंकि 10,000 पे करना है, तो 50 एंड 60,000 के बीच में है आपका 54,000, और किसके ज्यादा पास है 50 के ज्यादा पास है, तो 54,000 की जगह क्या आ जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा, और आगे की जितनी डिजिट है वो तो जीरो बन ही जाती है क्योंकि उससे आगे की डिजिट से ही हमने राउंड ऑफ किया, टोटल 54,081 था, इसका क्या बन गया 50,000, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 54 की बजाय होता 56 तो यहाँ हम क्या लिखते 60,000 लिखते फिर, क्योंकि हमें 10,000 पे क्या करना है राउंडिंग ऑफ करना है नंबर को। नेक्स्ट नंबर इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लैख, नियरेस्ट लैख पे हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है, तो लैख पे देखिए लैख में क्या है आपके पास 300,000 है, 3,54,000 क्या है आपके पास 3,54,000, आपको जो भी देखना होता है उससे नेक्स्ट जो डिजिट होती है वो भी आप रीड करते हैं, जैसे लाख देखना तो 1,000 वाली भी रीड करेंगे, 1,000 वाला देखना है 10,000 का देखना है तो सिंपल 1,000 वाला भी रीड करेंगे, सिंपल 1,000 का देखना है तो आप 100 वाला भी रीड करेंगे, ठीक है। आप देखिए 300,000 का देखना था आपको तो क्या बोलेंगे 3,54,000, अब देखिए 300,000 लैख पे करना है तो 3,54,000 किस किस के बीच में आएगा 300,000 और 400,000 के बीच में, अब 3,50,000 तक का होता तो किसके पास होता 300,000 के पास, और 3,50,000 से ज्यादा है तो किसके पास होगा 400,000 के पास, तो आपका क्या आ जाएगा 3,54,000 की जगह क्या आ जाएगा 400,000 आ जाएगा, ठीक है, और पीछे की डिजिट मैंने बोला ये सारी जीरो हो जाती है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे लाख वाला देखना था तो आपने ये देखा, अगर ये 50 से कम होगा तो 300,000 रहेगा, अगर ये 50 से ज्यादा होगा तो ये एक डिजिट बढ़ जाता है 400,000 आ जाएगा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट करोड़, करोड़ पे आपको राउंडिंग ऑफ करना है, करोड़ पे राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, अब ये 55 करोड़ है, करोड़ पे राउंडिंग ऑफ करना है आपको तो 55 करोड़ लाख वाला देखेंगे कितना है 55 करोड़ 300,000, क्योंकि करोड़ वाला है तो हमें लाख देखना पड़ेगा और 300,000 तो किसके पास रहेगा आपका, अब देखिए 55 करोड़ 300,000 55 करोड़ के पास रहेगा कि 56 करोड़ के पास, अगर ये 55 करोड़ 50,000 से ऊपर होता तो ये 50,000 से ऊपर होगा तो 56 करोड़ आएगा, और अगर ये 50,000 से नीचे होगा तो ये 55 करोड़ आएगा, ये तो ओनली 300,000 है तो किसके पास रहेगा आपका 55 करोड़, तो आपका क्या हो जाएगा 55 करोड़। ओके, थैंक यू क्लास।